आज कहानी है एक हिस्ट्री की ऐसी लड़की की जो 14 साल की उम्र में चांदनी चौक के तवायब से किसी की प्रेमिका बनी और फिर किसी की पत्नी और फिर सल्तनत की जागीरदार। फिर करीबन 6 दशक तक उसने शासन किया। शुरुआत मुगल के साथ हुई पर अंग्रेजों का पलड़ा भारी देखकर अपना रुख बदल लिया और धर्म परिवर्तन करके अंग्रेजों के साथ हो गए। मैं कहानी बताता हूँ, तब तक आप सब्सक्राइब करो। ये कहानी है बेगम जमरू की, जिन्हें बेगम सौंबर भी बुलाया जाता था। पुरानी दिल्ली की भागीरथ पैलेस, ये इमारत कभी देश के सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक का महल हुआ करता था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले वाल्टर रेनहार्ट सौंबर कौन था ये जानना जरूरी है। जब रेनहार्ट इंडिया आता है उस समय पर अंग्रेजों का बड़े भूभाग पर नियंत्रण हो चुका था। मुगल साम्राज्य अपनी पतन की ओर था। छोटे छोटे जागीरदार भी मुगलों के खिलाफ बगावत करने लगे थे। इसी दौरान मुगल शासकों ने यूरोप से भाड़े के मार काट करने वाले लोग को बुलाया था, मतलब कि जो पैसे पे किसी के लिए लड़ सके उनको बुलाया गया था यूरोप से। उनमें से ही एक था वाल्टर रेनहार्ट सोमबेर, जो फ्रेंच आर्मी में था, फिर बंगाल भाग आया, यहाँ स्विस आर्मी में शामिल हो गया। फिर उसने स्विस आर्मी को कुछ दिनों में ही छोड़ दिया, कुछ महीने नहीं, बस कुछ दिनों में ही छोड़ दिया। मोटी कमाई के लालच में बंगाल के नवाब मीर कासिम से जा मिला। बोला जाता है कि 1763 में रेनहार्ट ने करीबन 150 से ज्यादा अंग्रेजों को मार दिया था। इसके बाद रेनहार्ट का अंग्रेजों के बीच में एक खौफ पैदा हो गया था और रेनहार्ट को बूचर ऑफ पटना कहा जाने लगा। अब समरू बेगम की कहानी पे वापस आते हैं। वाल्टर सोम्बे चांदनी चौक के रेड लाइट एरिया में मनोरंजन के लिए आता है और वहाँ उसे 14 साल की लड़की डांस करते हुए नजर आती है। वो लड़की उसे इतना पसंद आती है कि वो वहाँ से उसे ले जाता है। इसके आगे कहानी 2-3 है कि वाल्टर सोम्बे से समरू बेगम शादी नहीं करती है, अगर करती तो वो गद्दी तक नहीं पहुँच पाती और उसे मुगल के सामने पेश किया जाता है। उससे प्रभावित होकर मुगल बेगम का खिताब देता है उसे। पर अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया वाल्टर सोम्बर से शादी कर लेती है फरजाना। उसके बाद वो बेगम सोम्बर बनती है, उसका दूसरा नाम भी था बेगम समरो। इसके बाद वाल्टर और बेगम समरो मतलब कि फरजाना साथ में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड वाल्टर रेनहार्ट से खुश होकर मेरठ की सरदाना जागीर इनाम में दे देते हैं। इसके बाद बेगम समरू और रेनहार्ट ने बहुत पैसा कमाया और वो लोग बहुत ताकतवर बन गए। फिर 1778 में रेनहार्ट की मौत हो जाती है, तब बेगम सोम्बेर ने गद्दी संभाली और समय के साथ उसका रुतबा और पावर बढ़ता गया। इसी के साथ कमजोर हो रहे मुगल पर हमले का शिकार होता तो बेगम समरू अपनी सेना की मदद भेजती थी। ऐसा कई बार हुआ कि जब मुगल पे अटैक हुआ तो समरू बेगम ने अपनी सैनिक भेजे और उन्हें बचाया। उससे खुश होकर मुगल बादशाह उन्हें कुछ दिल्ली के पास जमीन देते हैं और जेब उन निसा की उपाधि से नवाजते हैं। बेगम समरू ने चांदनी चौक पर अपने कई क्षेत्रों में बहुत सारी हवेलियां का निर्माण करवाया था। एक दौर ऐसा भी आया था जब उनकी देश में सबसे अमीर और शक्तिशाली महिला में से गिनती की जाती थी, पर ये थी बहुत तेज दिमागी। इन्हें पता था कि एक ना एक दिन अंग्रेज ही यहाँ राज करेंगे, इसलिए बेगम जमरू ने इस्लाम धर्म छोड़कर कैथलिक ईसाई बन गए और उन्होंने 1800 में एक चर्च भी बनवाया। बोला जाता है कि 50,000 से 60,000 के आसपास आर्मी थी उनके पास, वो इतना पावर हैंडल करती थी। और जनवरी 1836 में बेगम समरू की मौत हो जाती है। उनका जीवन करीब 82-83 साल का था। उनके निर्धन पर रोम के चर्च में प्रार्थना सभा हुई थी। सरदाना की और बेगम समरू की अपार संपत्ति थी, इनकी विरासत आज भी विवादित है, लेकिन ये संपत्ति की आंकड़े हर आर्टिकल में हर जगह पे आपको अलग अलग मिलेगी देखने को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर लो।